ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा. इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मेथड विद द बॉडी. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई एक ऐसा क्लास बनाते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं हम लोग एक कीवर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट. उस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हम लोग लगाते हैं क्लास में और उस क्लास को हम लोग बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट. अब उससे फायदा क्या होगा, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड का डिक्लेरेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट और या फिर उस मेथड का डेफिनेशन, दोनों ही हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है यहाँ पे जैसे इनकम्प्लीट, जो हम लोग वर्ड बोलते हैं उसका मतलब होता है इनकम्प्लीट. लाइक हम लोग अगर किसी मेथड को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ डिक्लेयर करेंगे, ठीक है. अगर किसी मेथड को पूरा हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड हम लोग ने वहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको उस क्लास के चाइल्ड क्लास में हमें इम्प्लीमेंट करना होता है. मीन्स हम लोग को उसका डेफिनेशन कहाँ पे देना होता है, चाइल्ड क्लास में देना होता है जो भी हम लोग मेथड डिक्लेयर करेंगे. मतलब कोई भी मेथड को अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डेफिनेशन है हम लोग को चाइल्ड क्लास में देना कंपलसरी हो जाता है. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर. एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और उतना ही शो करते हैं जितना यूजर के काम का है. लाइक जो भी फंक्शनैलिटी यूजर के लिए हम लोग ने बनाया है उसको हम लोग शो करेंगे, बाकी सारी चीजें जो अदर चीजें होती है उसको हाइड कर देंगे. लाइक जैसे हम लोग एटीएम जाते हैं, एटीएम में क्या करते हैं, एटीएम में एक स्क्रीन लगा होता है और वहां पे हम लोग सबसे पहले कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग पिन डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल्स डालते हैं और हमारे पास पैसा आ जाता है. अब वो मशीन कैसे काम कर रही है, क्या प्रोसेस है, क्या एल्गोरिथम है, क्या मेथड कॉल हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता. हम लोग को कार्ड डाले, पिन एंटर किए, अमाउंट एंटर किए और उतना पैसा निकल के आ जाना चाहिए, बस उतना ही हमको पता है और यूजर को उतने ही जानने की जरूरत है, ठीक है, बाकी सारी चीजें उसकी जरूरत की नहीं है. ठीक है, तो क्या करेगा, उसको हाइड करके रख देंगे. तो यही प्रोसेस होता है एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर. अनदर वे, इट शोज ओनली एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर एंड हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग SMS where you type the text message and send the message. You don't know the internal processing about the message delivery. Okay? जैसे यहाँ पे एक example दिया हो, जैसे हम लोग SMS send करते हैं या फिर कहीं पे भी हम लोग message करते हैं तो हम लोग simply type कर देते हैं message, वहाँ पे अगर किसको भी send करना है उसका हम लोग number डाल देते हैं और send कर देते हैं. तो यही एक process होता है user के लिए, लेकिन उसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है वो हम लोग कभी ना जान पाए ना जान पाएंगे. ठीक है, वो फोन के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है जो SMS सेंड करता है. ठीक है, तो उसको हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है. तो ये सारी चीजें जो होती है इंफॉर्मेशन हाइड करती है. ठीक है, मीन्स यूजर से बहुत सारी चीजें छुपाई जाती है. ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें उसको कंफ्यूज कर सकती है. जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर लेवल की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा एब्स्ट्रैक्शन यूज करके ही बनाते हैं. आवाज नहीं आ रही है. तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखते हैं. ठीक है, वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, हमारे पास दो वेज होते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए. ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, जिसमें हम लोग 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं. मीन्स 0 to 100% का मीन्स क्या होगा,
यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर भी सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर है वो, हम जो मेथड को दिखाना चाहते हैं वो मेथड को हम लोग शो कर सकते हैं, जिसको हाइड करना चाहते हैं उसको हाइड भी कर सकते हैं। सेकंड होता है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस जो होता है 100% एब्स्ट्रैक्शन को यूज करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पार्ट देखते हैं और उसका इम्प्लीमेंट हम लोग किसी दूसरे क्लास में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो वेज है। तो सबसे पहला वे है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें हम लोग यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है इनकम्प्लीट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब इनकम्प्लीट मेथड मीन्स उसका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर पार्ट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब डिक्लेरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन हम लोग दोनों देते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड मीन्स उसको एक्सटेंड करना कंपलसरी होता है और उसका इम्प्लीमेंट देना भी कंपलसरी होता है। जिसमें भी हम लोग उसको इनहेरिट करेंगे उस क्लास में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं होगा मीन्स हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जब तक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखेंगे वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लाइक जस्ट हम लोग नॉर्मल क्लास बनाते हैं वैसा हम लोग क्लास बना लेंगे, सामने एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे और उसके अंदर ऑप्शनल होता है दोनों चीजें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने हैं या फिर नहीं बनाने। हम लोग बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड मीन्स हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर फोर, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल क्लास जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन हैव फाइनल मेथड्स विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक है। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल मेथड बनाते हैं, ठीक है, तो उस मेथड को अगर हम लोग ओवरराइड करते हैं तो उसका सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स करता है उस अपने सब क्लास को कि वो अपने सिग्नेचर को चेंज ना करें, ठीक है। तो ये फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। सबसे फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है हमें, देन उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑप्शनल होता है। थर्ड, इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। फोर्थ, इसमें कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। फिफ्थ आता है, इसके अंदर फाइनल मेथड बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग फोर्स कर सकते हैं अपने सब क्लासों की उस मेथड के सिग्नेचर को कभी भी चेंज ना करें। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, यहाँ पे अगर किसी भी क्लास को हम लोग को डिक्लेयर करना होता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, देन उसके बाद क्लास और क्लास का नेम, उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं।
अब उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? ए मेथड विच इज़ डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग किसको बोल सकते हैं? जिसका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रिंट स्टेटस और सेमीकोलन लगा देंगे। इस टाइप से सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, नो मेथड बॉडी एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नो मेथड बॉडी मतलब इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं होगी और ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ abstract class that has abstract method. In this example, bike is an abstract class that contains only one abstract method run. Its implementation is provided by the Honda class. ठीक है, हमने एक क्लास बनाया है यहाँ पे abstract class bike. Bike के अंदर हमने एक abstract void run नाम का सिर्फ और सिर्फ declare किया हम लोग ने एक method, और उस method को हमने बनाया abstract. अब जैसे ही हम लोग इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को ऐड कर देते हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इस बाइक के चाइल्ड क्लास में देना जरूरी हो जाता है। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कहाँ पे देंगे? जिस क्लास में हम लोग इस बाइक को इनहेरिट करेंगे उसमें। तो हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया होंडा 4 एक्सटेंड्स बाइक। हमने बाइक को इनहेरिट कर दिया होंडा में। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, void run system.out.println running safely। हमने यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया, डिक्लेयर कहाँ पे किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कहाँ पे दिए, यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। ठीक है, और हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बाइक ओबीजे इक्वल टू न्यू होंडा। बाइक का रेफरेंस यूज किया और हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, होंडा का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हमने लास्ट क्लास में करके देखा था। हमने रेफरेंस यूज किया बाइक का और यहाँ पे हमने होंडा का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने रन किया। अब यहाँ पे हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, वहां पे इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाया उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, रेफरेंस हम लोग बना सकते हैं। हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है, उसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं हम लोग। बाइक का हमने रेफरेंस यूज किया और यहाँ पे होंडा जो है ऑब्जेक्ट जैसा यूज किया। मीन्स हमने मेमोरी किसका यूज किया, होंडा का यूज किया, रेफरेंस किसका दिया, बाइक का दिया। ओके, और ओबीजे डॉट रन करके हमने इसको कॉल कर दिया। ओके, क्लियर है?